हेलो फ्रेंड्स, कैनरा बैंक अपने 450 गोल्डन वैकेंसीज के साथ आई है। मैं ये मानता हूँ कि ये वैकेंसी उन सब के लिए काफ़ी अच्छा है जो कि किसी कारणवश प्री में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसमें बस और बस एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जीडी और इंटरव्यू है। तो मैं आपको कैनरा बैंक के डिटेल्ड व्यू के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस केस एजुकेशनल हेल्प पे इन सभी चीजों के बारे में एक डिटेल्ड व्यू देता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे जो भी आपको अपॉर्चुनिटी या जो भी आपको बेनिफिट्स मिलता है उन सारे बेनिफिट्स को उठाइए। तो दोस्तों, आज का आपका कैनरा बैंक का वैकेंसीज जो आया हुआ था, ये एक PGDBF कोर्स के तहत इसमें रिक्रूटमेंट होने वाला है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये कोर्स आपको ये बैंक कराएगी, उसके लिए आपको कुछ फीस लेगी, आपको वो कोर्स कंप्लीशन के बाद ज्वाइनिंग देगी, 5 ईयर्स का बॉन्ड होगा। आप उस बॉन्ड को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो सारे पैसे जो कि आपने फीस के तौर पर दिए थे, वो सारे पैसे वापस भी कर देगी बैंक, और उसके साथ साथ आपको इंसेंटिव भी देती है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा कोर्स है अगर आप एक PO बनकर बैंक में गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म भरना 9 जैन से ही स्टार्ट हो चुका है और ये 31 जैन तक चलेगा, और 31 जैन को इसका लास्ट डेट है। आप इसके कॉल लेटर को 20 ऑफ फैब को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन एग्जाम 4 मार्च को होने वाली है, जो कि एक सिंगल एग्जाम होगा, बस और बस मेंस एग्जाम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 450 है, और जनरल के लिए 227 है, ओबीसी के लिए 121 है, एसटी के लिए 35 है और एससी के लिए 67। तो आपके लिए टोटल 450 वैकेंसीज है, बस आप माइंड में ये रखें। आपकी मिनिमम एज 20 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम विल बी थी 30 ईयर, ठीक है। अगर आप इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको 60% होना अनिवार्य है और 55% उन कैंडिडेट के लिए जो कि SC ST कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% आपको होना जरूरी है। यहां पे एक बात आती है कि 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर आपके ऑनर्स के पेपर में होना चाहिए, या फिर आप अगर बी या बीटेक हैं तो बहुत सारे का ये क्वेश्चन होता है कि मेरा डिग्री में 60% है लेकिन ओवरऑल नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जी हाँ, अगर आपका डिग्री में 60% है तो आप एलिजिबल हैं। आपका ओवरऑल अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी डिग्री के पेपर में होना चाहिए। तो दोस्तों, आप इन बातों को ध्यान रखें, अगर आपका डिग्री में है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। दूसरा बात आता है कि ये इंस्टीट्यूशन आपको कहाँ कहाँ से कोर्स कराएगी। तो ये एक मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन है और एक NITTE एजुकेशन है, जो कि आपका बेंगलुरु कैंपस है और इसका एक बेंगलुरु कैंपस है। तो बेंगलुरु कैंपस के लिए आपको टोटल फी देना है 4,13,000 का, और आपको बेंगलुरु कैंपस के लिए टोटल फीस है 3,54,000। आपका पेमेंट जो होने वाला है जब आप इस कोर्स एग्जाम में आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपका जो पेमेंट होगा वो एक बार में भी आप दे सकते हो, नहीं तो फिर इंस्टॉलमेंट में है, 2 इंस्टॉलमेंट में। पहला आप जब आपकी कोर्स कंप्लीट, मतलब कोर्स का कमेंसमेंट या स्टार्टिंग होता है, तो उस टाइम में आपको 50% कोर्स फी पे करना है और बाकी के 50% आपको दूसरे महीने के खत्म होने और तीसरे महीने के शुरू होने से पहले आपको पे करना है। नेक्स्ट आपका एग्रीमेंट और सिक्योरिटी बॉन्ड होता है। अगर आप इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनली, तो आपको जब ज्वाइनिंग दिया जाएगा कोर्स के लिए, तो आपको 5 साल का बॉन्ड साइन करना है। ये 5 साल का बॉन्ड
इसलिए होता है क्योंकि बैंक ये नहीं चाहती है कि मैं इन बच्चों को सिखाऊं 9 महीने तक और फिर 3 महीने का इंटर्नशिप दूं और ये बच्चे यहाँ से छोड़ के चले जाएं। इसीलिए उन्होंने ये 5 साल का बॉन्ड रखा है। 5 साल का बॉन्ड रखा हुआ है, लेकिन अगर आप बीच में ही इस कोर्स को छोड़ना चाहते हैं तो आपको जो कॉम्पेंसेशन चार्ज है वो 1 लाख का प्लस कुछ टैक्सेस होगा, वो आपको पे करना होगा अगर आप इस कोर्स को छोड़ना चाहते हैं। अगर आप देख लें कि आपको एप्लीकेशन फी कितना पड़ रहा है, तो SC ST और PWBD के लिए 118 रुपीज है, लेकिन और जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 708 रुपीज है। अगर हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन GD की बात होगी और फिर इंटरव्यू की बात है। ऑनलाइन टेस्ट आपकी IBPS के थ्रू होने वाली है, और जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें रीजनिंग के लिए टोटल आपका 50 क्वेश्चन होगा, क्वांट के लिए 50 होने वाला है, इंग्लिश के लिए 50 होने वाला है, जनरल अवेयरनेस के लिए 50 होने वाला है, टोटल आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक और इसमें जरूरी बात कि जैसे आप एग्जाम जो फाइनल ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होने वाला है उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो एक बैंक यहाँ पे लिखी हुई है कि डिसाइडेड बाय द बैंक इन द 1:3, मतलब आप एक वैकेंसी पे बैंक लगभग 3 बच्चे को GD के राउंड तक बुलाएगी। GD के राउंड के बाद फिर उनका अलग डिसीजन होगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपके 450 वैकेंसी है तो लगभग x3 टोटल वो बच्चों को अपने GD के राउंड तक बुलाने वाली है। अगर हम लोग मैं इंसेंटिव की बात जो तभी पहले कर रहा था, मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका जब मतलब कोर्स का जो कंप्लीशन होने वाला है उसमें आप जैसे जैसे सर्टिफिकेशन आपके कंप्लीट होते जाती है तो बैंक आपको इंसेंटिव पे करेगी। वो इंसेंटिव आपको तब मिलेगा जब आप बैंक में ज्वाइन करेंगे अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, और धीरे धीरे वो इंसेंटिव आपको बैंक देना स्टार्ट कर देगी जब आप ज्वाइन कर लेंगे। एक लॉयल्टी बोनस नाम का इसमें चीज है, मतलब आपको 5 ईयर्स का बॉन्ड तो साइन करा रही है लेकिन आपको जो कोर्स का फी पड़ रहा है वो कोर्स का फी आपको 5 साल के बाद बैंक फिर से वापस दे देती है, और वो 5 साल आपका कंप्लीट होता है उसके बाद वो देना स्टार्ट करती है, और धीरे धीरे वो 10 ईयर्स कंप्लीशन तक वो सारा पैसे आपको चुका देती है। मतलब आप एक तरह से जैसे फ्री में आपने वो कोर्स किया और फ्री में आपने फिर ज्वाइनिंग लिया, ये सारा चीज ऐसा हो जाता है। लेकिन ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 ईयर्स आपको बैंक बोलती है कि आप मेरे यहाँ काम करें। तो दोस्तों ये इसके बारे में डिटेल्ड व्यू था। अब आप अपने से डिसीजन लें कि आपको क्या करना है, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि आपको ये एग्जाम देना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये नॉर्मल PO से अच्छा ही जॉब होता है। इसमें आपको काफी सारे एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज देखने को मिलेगा, और आप अच्छे से तैयारी करें और इस जॉब को जरूर लें। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो, और दोस्तों मैंने जो आपको कुछ बताया है उसके लिए मुझे कुछ आप दे नहीं सकते हैं, बस एक लाइक कर सकते हैं जो कि मेरे लिए एक कंसोलेशन के तहत कंसोलेशन जैसा होता है। तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।